ई शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी अध्याय 2 से आंकड़ों का संग्रह पाठ से जो हमारा संबोध है तक गणना तथा निर्देशन अनुसंधान इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले संगणना तथा निर्देशन अनुसंधान का उदाहरण सहित हम व्याख्या करेंगे। दोनों अनुसंधान के लिए उपयुक्त जो दशाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। दोनों अनुसंधान के गुण तथा दोषों का वर्णन करेंगे। संगणना तथा निर्देशन अनुसंधान में क्या अंतर है उसको यहाँ पर जानेंगे और अंत में निष्कर्ष के तौर पर संगणना और निर्देशन अनुसंधान का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अनुसंधान की प्रकृति दो प्रकार की हो सकती है, एक है संगणना अनुसंधान तथा दूसरा है निर्देशन अनुसंधान। संगणना अनुसंधान, जब अनुसंधान के विषय से संबंधित सामग्री या समूह की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो वह संगणना अनुसंधान कहलाता है। इस रीति के अनुसार संगणना करते समय अनुसंधानकर्ता समस्त समूह की जांच करता है और अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक इकाई के संबंध में आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करता है। जैसे उदाहरण हो गया जनसंख्या की गणना, उत्पादन का सर्वेक्षण कार्य आदि। तो संगणना अनुसंधान में क्या होता है कि जो अनुसंधानकर्ता होता है वह प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी प्रत्यक्ष रूप से स्वयं लेता है। जैसे सरकार जनगणना के समय अध्यापकों के माध्यम से या सुपरवाइजरों के माध्यम से या परगणों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है। इसी प्रकार जो तुम्हारे सेल एजेंट्स होते हैं वो भी प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्ट जानकारी घर घर जाकर लोगों से प्राप्त करते हैं। संगणना अनुसंधान के लिए उपयुक्त जो दशाएँ इस प्रकार हैं, जहाँ पर समग्र या क्षेत्र का आकार सीमित हो, अर्थात जहाँ पर कम मात्रा में हमें सर्वेक्षण कार्य करना हो या कम लोगों का सर्वेक्षण कार्य करना हो, वहाँ पर ये दशाएँ अनुकूल होती हैं संगणना के लिए। समग्र में विविधता का गुण पाया जाता है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं वहाँ पर संगणना के द्वारा अनुसंधान करना उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आप अलग अलग प्रकार की इकाइयों से जानकारी प्राप्त करोगे। जैसे जनसंख्या से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने वाले होते हैं। अनुसंधान में शुद्धता का स्तर ऊंचा रखना हो, जब आपको अनुसंधान एकदम प्योर शुद्धता के अनुसार करना हो, जैसे हमारी सरकार जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त करती है उसमें शुद्धता का स्तर बहुत उच्च रहता है, क्योंकि सरकार उस आंकड़ों की सहायता से कई प्रकार की नई योजनाओं का गठन करती है जो जिससे देश का आर्थिक विकास संभव हो सके। जहाँ पर विषय का गहन अध्ययन करना हो, कभी कभी इस प्रकार का अनुसंधान करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे मौसम की जानकारी से संबंधित जिससे भविष्यवाणी की जा सके। अगर आंकड़े गलत होंगे तो भविष्यवाणी गलत होगी, इसलिए ऐसे आंकड़ों का गहन अध्ययन करना आवश्यक होता है, वहाँ पर संगणना अनुसंधान सबसे उपयुक्त पाया जाता है। इसके साथ संगणना अनुसंधान के कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार हैं, गहन अध्ययन, वही जो मैंने आपको बताया कि इसके माध्यम से हम तुलनात्मक आंकड़ों का अध्ययन बहुत गहराई से कर सकते हैं प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करके। अधिक शोध व विश्वसनीय परिणाम, इसके माध्यम से जो हम शोध कार्य करते हैं किसी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं वो विश्वसनीय होती है, क्योंकि उसमें आपने प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े इकट्ठा किए हैं। विस्तृत जानकारी प्राप्त होना, इसके माध्यम से भी हम बड़े पैमाने पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार की प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं जिससे प्रत्यक्ष रूप से जो हमारा समग्र है उससे अधिक से अधिक जानकारी ले सकें। कुछ दशाओं में आवश्यक है और संगणना जो अनुसंधान है कुछ क्षेत्रों में या कुछ दशाओं में उपयुक्त होती है, जहाँ पर आपको गहन अध्ययन करना हो, जहाँ पर आंकड़े या रिसर्च
या आपका जो शोध कार्य है उसमें शुद्धता का स्तर उच्च होना चाहिए, वहाँ पर संगणना अनुसंधान एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। संगणना अनुसंधान के दोष इस प्रकार हैं कि यह प्रणाली बहुत अधिक खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें जो अनुसंधानकर्ता होता है उसे स्वयं फील्ड में जाकर लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी इकट्ठा करनी होती है, जिसमें उसका बहुत अधिक धन खर्च होता है। इसके साथ साथ समय और परिश्रम की भी इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रश्नावली तैयार करके प्रत्यक्ष रूप से लोगों से कई प्रकार के प्रश्न के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करनी होती है। व्यापक संगठन की आवश्यकता, संयुक्त जो आपका शोधकर्ता होता है उसको अगर बड़े पैमाने पर जानकारी इकट्ठा करनी होती है तो वो अपने अधीन कुछ लोगों को प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है, जिसके लिए उसको एक संगठन की भी आवश्यकता पड़ती है। अनेक परिस्थितियों में असंभव, कभी कभी कुछ क्षेत्र इतने बड़े हो जाते हैं जहाँ पर संगणना अनुसंधान का प्रयोग संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण प्रत्यक्ष रूप से लोगों से जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा उदाहरण कि जहाँ पर हिंसा हो जाती है या जहाँ पर विद्रोह हो जाता है या जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, तो ऐसी जगह पर प्रत्यक्ष रूप से जाकर बहुत लोगों से जानकारी लेना असंभव हो जाता है। निर्देशन या प्रतिदर्शन अनुसंधान। निर्देशन समग्र का एक छोटा भाग या अंश है जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा जिसमें समग्र की मौलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इसे निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। निर्देशन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम सभी इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन उनके स्वीकृत कार्य विधियों की सहायता से इस प्रकार करते हैं, जिससे चुनी गई इकाइयां संपूर्ण विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सकें। उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे कि दैनिक जीवन में हम निर्देशन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम चावल, गेहूं या कोई अन्य वस्तु खरीदने बाजार जाते हैं तो पहले इसका नमूना देखते हैं। नमूना ही प्रतिदर्शन या निर्देशन है। अतः निर्देशन वह विधि है जिसके द्वारा केवल समग्र के एक अंश का निरीक्षण करके संपूर्ण समग्र के बारे में जाना जा सकता है, अर्थात कि हम व्यावहारिक जीवन में भी बार बार निर्देशन का पालन करते हैं। जब आप बाजार जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, अनाज खरीदने जाते हो, तो आप एक एक दाने का निरीक्षण नहीं करते, बल्कि आपको अगर एक क्विंटल गेहूं खरीदना है तो आप एक मुट्ठी भर गेहूं निकालते हैं और उसी के आधार पर ये जान लेते हैं कि गेहूं की क्वालिटी कैसी है और उसी के आधार पर आप उसको खरीदते हैं। तो आपने देखा कि निर्देशन व्यावहारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका हम बार बार प्रयोग करते हैं। निर्देशन या प्रतिदर्शन अनुसंधान के लिए उपयुक्त दशाएं। जब समग्र अनंत हो, अर्थात जब समग्र बहुत बड़े पैमाने पर हो, तो निर्देशन अनुसंधान के अंतर्गत सभी लोगों से जानकारी ना लेकर केवल प्रतिदर्शन जिसको बनाया जाता उससे जानकारी ली जाती है और उससे निकाले गए निष्कर्ष सभी पर लागू होते हैं। इससे समय और धन की भी बचत होती है। जब संगणना प्रणाली अव्यवहारिक हो जाए, ऐसी परिस्थितियों में जब संगणना प्रणाली को हम लागू नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर निर्देशन प्रणाली लागू होती है। इसका एक मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जैसे आप धरती से कुछ खनिज संपदा के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप भूगर्भ से सारी की सारी धातु निकालें, बल्कि नमूने के तौर पर अगर आप थोड़ी सी धातु निकालते हैं और उसी से आपको पता चल जाता है कि धातु कैसी उच्च क्वालिटी की है कि नहीं, तो उसी के आधार पर आप वहाँ खनन कार्य कर सकते हो। तो इसलिए संगणना वहाँ पर अव्यवहारिक हो जाती है, तो वहाँ पर निर्देशन प्रणाली काम करती है। जब समग्र नाशवान प्रवृत्ति का हो तो वहाँ पर भी निर्देशन प्रणाली का ही
प्रयोग किया जाता है। इसका एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले रक्त का परीक्षण संगणना प्रणाली के आधार पर नहीं किया जा सकता। ऐसी समस्याओं में प्रतिदर्शन प्रणाली का प्रयोग करना ही उचित होता है। इसके साथ जब समग्र की प्राकृतिक परिवर्तनशील हो तो वहाँ पर भी हम निर्देशन प्रणाली का ही उपयोग करते हैं। प्रतिदर्शन अनुसंधान का गुण, इस प्रणाली का उपयोग वहाँ पर अधिक लाभदायक होता है जहाँ पर समग्र की मात्रा बहुत अधिक होती है। दूसरा, जब अनुसंधानकर्ता को समय और श्रम की बचत करनी होती है तो प्रतिदर्शन अनुसंधान उसके लिए एक बेहतर विधि हो सकती है। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में भी प्रतिदर्शन अनुसंधान एक महत्वपूर्ण विधि हो सकती है। शीघ्रता से बदलती हुई आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में यह प्रणाली बहुत अधिक उपयोगी होती है। इस प्रणाली के द्वारा गहन अनुसंधान भी संभव है। इस प्रणाली के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष पूर्णतः विश्वसनीय तथा शुद्ध भी होते हैं। कुछ विशेष दिशाओं में प्रतिदर्शन अनुसंधान एकमात्र उपयुक्त प्रणाली होती है। निर्देशन अनुसंधान के दोष, यदि प्रतिदर्शन की इकाइयों का चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं किया गया तो निष्कर्ष गलत या भ्रामक हो सकते हैं। प्रतिनिधि प्रतिदर्शन बनाना भी कठिन होता है। प्रतिदर्शन अनुसंधान के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। कभी कभी समग्र छोटा होने के कारण उसको प्रतिदर्शन बनाना संभव नहीं होता। जहाँ पर समग्र में विभिन्नता पाई जाती है वहाँ पर यह प्रणाली उपयुक्त रूप से कार्य नहीं कर पाती है। संगणना व निर्देशन प्रणाली में अंतर। तो सबसे पहले हम संगणना विधि के बारे में पढ़ते हैं कि संगणना विधि में जो हमारा समग्र होता है उसकी प्रत्येक इकाई से इसमें संबंधित सूचना प्राप्त की जा सकती है या की जाती है। इसके विपरीत जो निर्देशन विधि होती है उसमें समग्र में से लिए गए न्यायदर्श में सम्मिलित इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको क्लास का दिया था, किसी किसी कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो पूरे बच्चों की जानकारी ना लेकर केवल 2-3 बच्चों से पूरी कक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसी को अनुसंधानकर्ता न्यायदर्श बना देता है और जो वो जानकारी देते हैं उसी जानकारी को वो उसका अध्ययन वो कर लेते हैं या उसका रिकॉर्ड वो रख लेते हैं। इसके साथ साथ संगणना विधि में श्रम धन और समय अपेक्षाकृत अधिक व्यय होता है, अर्थात संगणना विधि में बहुत अधिक खर्चा होता है क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता प्रत्येक इकाई के पास जाकर उनसे जानकारी प्राप्त करता है जिसके कारण उसको धन बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। साथ में प्रत्येक इकाई से जानकारी लेते समय बहुत अधिक समय भी लगता है। अगर उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होगा तो उसका खर्चा भी उतना ज़्यादा होगा। इस विधि में समय और धन और श्रम की बचत होती है क्योंकि इसमें प्रत्येक समग्र से जानकारी ना लेकर केवल न्यायदर्श जो बनाए जाते हैं उनसे जानकारी ली जाती है। इस विधि का वहाँ अधिक उपयोगी होती है यह विधि जहाँ पर समग्र की इकाइयों में विभिन्नताएँ होती हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें एक कक्षा में धार्मिक आधार पर आंकड़े इकट्ठा करने हों और वहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हों या अलग अलग धर्म के बच्चे उस क्लास में पढ़ते हों या ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें अलग अलग क्षेत्र के या धर्म के लोग रहते हों तो वहाँ पर जानकारी हम केवल संगणना विधि से ही ले पाएंगे क्योंकि हमें प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी उसके धर्म के अनुसार लेनी होती है। इस विधि का उपयोग केवल वहाँ पर हो सकता है जहाँ पर समग्र में विभिन्नताएँ ना हो, अर्थात
समग्र की इकाइयाँ एक समान हो, जैसे हम किसी कक्षा में 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का हमें जानकारी लेनी हो। इस विधि का प्रयोग अनुसंधान के सीमित क्षेत्रों में किया जाता है, अर्थात इसे विस्तृत क्षेत्रों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें प्रत्येक इकाई से जानकारी लेनी होती है। इस विधि का उपयोग अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे पूरे देश में जानकारी लेनी हो या बहुत बड़े क्षेत्र में जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या हो वहाँ जानकारी लेनी हो, तो प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी ना लेकर उनके गांव के मुखिया से या नगर पालिका के जो वार्ड मेंबर होते हैं वहाँ से जानकारी आदि प्राप्त की जा सकती है। या अगर हम स्कूल का उदाहरण दें तो पूरे स्कूल के में जितने छात्र अध्ययनरत हैं उन सभी छात्रों की जानकारी केवल प्रधानाचार्य या कक्षा अध्यापकों के माध्यम से ली जा सकती है। इस विधि का प्रयोग वहाँ अधिक किया जाता है जहाँ समग्र की प्रत्येक इकाई से संबंधित विस्तृत सूचना प्राप्त करनी हो, अर्थात जानकारी शुद्ध हो और जानकारी गोपनीय रखनी हो, तो वहाँ अधिकतर संगणना विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें पर्सनावली के आधार पर व्यक्तियों से या इकाइयों से विस्तृत रूप में जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है। इस विधि का उपयोग अधिकतर वहाँ किया जाता है जहाँ पर समग्र अनंत या विशाल हो, अर्थात ऐसे समग्र जो बहुत ही ज़्यादा हों और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैले हुए हों, तो वहाँ सभी समग्र से जानकारी ना लेकर जो न्यायदर्श बनाए जाते हैं उनसे जानकारी यहाँ पर हासिल की जाती है। समग्र की प्रत्येक इकाइयों के अध्ययन के कारण जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह शुद्ध या शुद्धता की मात्रा उनमें अधिक रहती है, अर्थात वे सच्चे होते हैं, उनसे निकाले गए निष्कर्ष वास्तव में सत्य के नज़दीक होते हैं। इसके विपरीत जो हम निर्देशन प्रणाली में शोध कार्य करते हैं उसमें थोड़ा कम शुद्धता की मात्रा होती है या शुद्धता की मात्रा कम रहने की संभावना रहती है, क्योंकि जो न्यायदर्श हमने चुने होते हैं और जिन न्यायदर्श के माध्यम से हमने जानकारी ली हुई होती है तो वो जानकारी कभी गलत भी हो सकती है। तो आपने संगणना और निर्देशन प्रणाली के अंतर को बड़े ध्यान से सुना और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है। निष्कर्ष के रूप में हम कहेंगे कि संगणना तथा निर्देशन दोनों अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका हमें सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कुछ जगह संगणना विधि अव्यवहारिक हो जाए तो वहाँ पर निर्देशन अनुसंधान का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ श्रम, धन, शुद्धता का स्तर और खर्च के अनुसार ही दोनों विधियों का चुनाव समझदारी से करना चाहिए।